एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के नाम से तो हम सब वाकिफ हैं। बीमारी छोटी हो या बड़ी, हम डॉक्टर के एडवाइस जरूरी नहीं समझते। लगभग एंटीबायोटिक्स को एक ही जैसे ट्रीट करते हैं। हमारी यही गलती ज्यादातर ड्रग्स को बेअसर बनाती जा रही है। असरदार होने के लिए दवाओं को मजबूत होना जरूरी है और उसमें रफ्तार भी होनी चाहिए, लेकिन अब ये दवाएं केवल शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस ही दे पा रही हैं। अपने आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड कुछ यूजफुल बातें शेयर करूंगी जो हर किसी को जानना जरूरी है। आखिर हेल्थ इज वेल्थ। वीडियो काफी यूजफुल होगी तो प्लीज इन तक जरूर देखिएगा। आम भाषा में कहें तो एंटीबायोटिक्स एक सब्सटेंस या कंपाउंड है जो बैक्टीरिया को या तो मार देते हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं या कह सकते हैं बॉडी में बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देते हैं, उन्हें बैक्टेरिसिडल एजेंट्स कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन, जिसके बारे में हम स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसे नॉर्मली स्किन इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। और जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, उन्हें बैक्टीरियोस्टेटिक्स एजेंट्स कहते हैं, जैसे मैक्रोलाइड्स। इसे ज्यादातर लंग्स इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जिन्हें पेनिसिलिन से एलर्जी होती है उन्हें भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटीबायोटिक्स वर्ड्स पहली बार 1942 में सेलमैन वॉक्समैन के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। डॉक्टर्स हमें एक ही बीमारी के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ड्रग हमें सूट करता है वो हमारी बॉडी वेट, एज और मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसलिए एंटीबायोटिक्स हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, नहीं तो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। दूर के सफर में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि देश और राज्य के हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी चेंज हो जाते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर एंटीबायोटिक्स अब बेअसर हो रहे हैं। जिन पर रिसर्च चल भी रहा है उनमें ज्यादातर पुरानी है। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स को बनने में लगभग 10 साल तक का समय लग जाता है, इसलिए आज ज्यादातर यूज होने वाले एंटीबायोटिक्स पुराने ही हैं। आमतौर पर इसके डोज को लेकर जो लापरवाही है, इस कारण लगभग 50% एंटीबायोटिक्स यूजलेस हो चुके हैं। लोग दवा तो लेते हैं लेकिन कोर्स पूरा ना होने के कारण उनके बॉडी के फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद को ले हुए एंटीबायोटिक से शील्ड कर लेते हैं और खुद को रेप्लिकेट करने लगते हैं, और नेक्स्ट टाइम वो दवा यूजलेस हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जब किसी अन्य के संपर्क में आता है तो उसके शरीर के भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दवा को लेकर सतर्क हो जाते हैं और ये क्रम यूं ही चलता रहता है। यही कारण है कि आज एंटीबायोटिक्स केवल शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस ही दे पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।